तो हेलो दोस्तों, आज है 1 जुलाई और लगभग 3 महीने के बाद जो है कि मेरी वीडियो जा रही है। बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है 3 महीने में। और देखिए, बिटिया जो है अभी चिढ़ियाई हुई है, तो दीबू जो है पूजा कर ले रहा है और जय तुलसी माँ का नाम लेकर के 1 जुलाई से जो है कि 3 महीने के बाद जो है मैं फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बिटिया रानी इस तरह जो है आजकल पूजा के नाम पे जो है कि अलग हटी हुई रहती है। और वाइफ को तो अभी पूजा पाठ नहीं करना है कुछ कारणों से, तो ये अभी जो है गोदी में इस तरह से जो है खेल रही है। पहले अपने मन से जो है पूजा कर लेती थी, लेकिन अब पूजा पाठ शायद छोड़ दी है। क्यों पूजा पाठ छोड़ दी? भगवान जी तुलसी माँ जो है लड्डू नहीं देते हैं? अरे मकरदाना नहीं देते हैं? तो देखिए, और दीवू जो है हाथ जोड़े हुए हैं। जब तक हम इसको कहते नहीं है कि तुम हटो, तो ये हटता नहीं है। तो जय तुलसी माँ दोस्तों। तो आज से जो है कि 1 जुलाई से जो है कि फिर से अपना धीरे धीरे अपना कंटेंट डालेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गए थे इस 3 महीने में। तो चलो बुटिया वाला भी जो है जल झाड़ दो। हमने भी तो जल ढाल दिया है, लेकिन वीडियो बनाने के चलते जो है पहले ही जल ढार देता हूँ। और चलो पूरा ढार दो ढार दो ढार दो। गर्मी का मौसम है, पानी तो हो नहीं रही है बिहार में। तो दोस्तों, बिटिया को लाख मनाने पर भी जो है कि आजकल जो है पूजा पाठ नहीं करती है। तो मम्मी जब पूजा करती है तभी जो है कि बिटिया जो है आजकल पूजा करती है। तो हो गया, चलो हो गया, बोलो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अभी तो उतराता है और पढ़ाई में भी तो उतराता है। तो दोस्तों चलिए, तुम पूजा करती थी तो कितने लोग बड़ाई करते थे, तुम पूजा आजकल क्यों नहीं करती है? तो आदत छूट गई है। मम्मी पूजा करती थी इसकी, तो ये भी करती थी। तो पन चलो देखिए देखिए देखिए, यहाँ कहाँ से रूस करके जो है लुकी हुई है। ए, यहाँ क्यों है तुम? क्यों यहाँ लुकी हुई है? क्या हो गया तुमको? पहले तो तुम खूब पूजा करती थी, वीडियो बनाती थी, अब क्या हो गया तुमको? नहीं बनाना है? चलो खा लो। भैया आम खाएगा, तुम नहीं खाएगी। हे कोची, हे ये नहीं मिलेगा, ये ना तुमको नहीं मिलेगा। जा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं फाइनली जो है 3 बजे अपना काम करके फ्री हुआ हूँ। और देखिए दीबू सुस्त पड़ा हुआ है, इसको हो गया है लूज मोशन। और इसके लिए मम्मी खिचड़ी बनाई है और बिटिया रानी भी खिचड़ी खा रही है। खिचड़ी अच्छा लगता है बेटा? हैं? हाँ, कुछ कुछ बोलने लगी। तो दोस्तों, इन 3 महीनों में जो है कि बहुत कुछ हुआ है और बच्चे काफ़ी बीमार रहे हैं और अभी भी बीमार चल रहे हैं। तो सोचा कि अब काफ़ी गैप हो गया है तो वीडियो बनाए। तो दीबू अभी जो है कि यहाँ सुस्त पड़ा हुआ है, इसको हो गया है लूज मोशन। तो इसके लिए मम्मी खिचड़ी बनाई है, लेकिन खिचड़ी खा नहीं रहा है। और बिटिया रानी को सोयाबीन का सब्जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बेटा? कैसा लगता है बोलो? बहुत अच्छा। तो ये खा लो दीबू, थोड़ा बहुत खा लो, तब ना पेट बंधेगा। क्या खाएगा? बुनी में बुनी के छोकन है। छोका हुआ नहीं खाओ, पेट अभी दवाई खाए है ना।
तो खा के आराम करना, ठीक है ना, आज पढ़ाई नहीं करना। तो दोस्तों, मैंने शाम को जो है कि हेयर डाई कर ली है, और बहुत दिनों से जो है कि हेयर डाई नहीं किया था, क्योंकि गर्मी में जो है कि हालत ऐसी ख़राब थी बच्चों की कि सभी बच्चों को जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि घाव फुंसी हो रखा था, और मैं भी काफ़ी परेशान था। मुझे अभी जो है कि स्कूल के लिए जो है कि स्कूल के दूसरे ब्रांच में जाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी दूर है, करीब 5 किलोमीटर दूर, और मुझे रोज़ साइकिल से जो है कि मॉर्निंग में ही जो है कि यहाँ से 6:30 बजे जो है निकलता हूँ, और आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद जो है कि पहुँचता हूँ। और गर्मी में जो है कि हालत ख़राब हो गई थी, और गर्मी की छुट्टी में तो और हालत ख़राब हो गई थी। बिहार में तो बारिश हो नहीं रही थी, तो 30 तारीख को जो है कि 30 जून को जो है कि यहाँ कुछ बारिश हुई है, और मूड जो है थोड़ा फ्रेश है। और भी एक कारण है दोस्तों कि मैंने कुछ ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जो है कि उपाय निकाल रखे थे, तो स्कूल से आने के बाद जो है कि उस काम में भी लगे हुए रह जाता था, और अभी भी लगा हुआ हूँ। तो करीब 3 साढ़े 3 बजे वो काम ख़त्म होता है, फिर उसके बाद जो है कि 4 बजे कुछ बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अब कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे टाइम निकाल करके जो है कि आप लोगों को अपना कुछ न कुछ डेली ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद।